वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की मेरा कैसा लुक आया है आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगा, काफी समय बाद मुझे मेरे पसंद का हेयर कट मिला है। हेयर कट हो चुका है, अब वो ब्लो ड्राई कर रहे हैं और काफी मेहनत करी थी। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तो ब्लो ड्राई करने में ही लगे होंगे और अच्छे से किया था इन भैया ने। आप देखिएगा कि लुक कैसा आता है। उन्होंने कर्ल करने की कोशिश करी थी पर मेरे बालों में कर्ल रुकता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये सेट पर भी होता है, जितनी बार भी मेरे बालों में कर्ल किया जाता है वो निकल जाता है। इसलिए मोस्टली मेरे बालों को हमेशा स्ट्रेट ही किया जाता है। मतलब मेरे बाल एकदम स्ट्रेट नहीं है, वेवी हैं, तो उसको स्ट्रेट किया जाता है। जैसे कर्ल करते हैं तो पता नहीं क्यों खुल जाता है, बाकी लोग का टिकता है, मेरा खुल जाता है। हेयर कट होने के बाद मैंने काफ़ी देर तक खुद को निहारा वीडियो में भी और घर आके भी देखा, शीशे में देखा कि कैसा। घर आते आते एक्चुअली खुल गए थे ये जो भी कर्ल थे। वीडियो की शुरुआत में बोलना चाहती हूँ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आजकल मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी डालती हूँ, आप शॉर्ट्स भी मेरे चेक कर सकते हैं। वो ट्रैवल्स रिलेटेड वाले भी होते हैं और खाने पीने वाले भी होते हैं, क्योंकि यही लोग पसंद करते हैं। काफी देर तक खुद को निहारने के बाद फिर मैंने कहा कि अब चलो घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ₹3 लाख इसका रेंट है दोस्तों। कौन कौन यहाँ रहता है? आदमी कुत्ते पाला, कुत्ता आदमी पाला। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है हीरा नंदानी किधर पड़ता है, पवई साइड में पड़ता है, ये अंधेरी ईस्ट के पास में पड़ेगा। जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रही हूँ, मुंबई में बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, साउथ मुंबई वाले लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं ज्ञान नहीं होगा। पवई लेक काफ़ी फेमस है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से पवई लेक। पुरानी मूवीज़ देखेंगे 90s वाली, तो आपको बहुत सारी मूवीज़ में ये सीन दिख जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका इंफ्रा जो है वो यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी शूट्स हुए हैं। और अभी भी एड्स वगैरह के शूट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस वजह से शायद अब मूवीज़ के ज़्यादा शूट नहीं होते, लेकिन एड्स के होते हैं। एड्स के जब भी होते हैं तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है। दोस्तों घर आ गए हैं, हेयर कट मैंने ले लिया है, आपको मैंने दिखाई दिया। और ऑब्वियसली जो कर्ल किए हैं वो खुल ही जाते हैं, वो टिकते नहीं हैं ज़्यादा समय तक, बट ठीक है। उसके अलावा मुझे बाल ठीक लग रहे हैं, अब जब हेयर वॉश करूँगी तो सही लगेगा। मुड़ गए ना, उसने कर्ल किया तो मैं स्ट्रेट रखती हूँ। कैसे लगे मेरे बाल? तुमने जो भूख लगी थी बहुत तेज, अभी टी शर्ट चेंज है। कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं पार्टी में।
बताइएगा कि क्या सीन रहता है, बंद हो जाता है सबकी, क्या होता है? वैसे दुकानें वगैरह तो यहाँ भी बंद होनी शुरू हो जाती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं, खुली हुई है, किंग्स वाइन पे लगी है भीड़। आज है पार्टी का सीन, सैटरडे सैटरडे करते हैं। कूड़ा क्यों कर रहा है? यहाँ सारे कूड़े लगे हैं क्या? कूड़ा सैटरडे सैटरडे करेगा। सब कुछ चाहिए तुम्हें, ये देखो छाता रखने के लिए रखा हुआ। कौन सा क्लब में जा रही हो? 17th और इसमें है 22। कैसा व्यू होता होगा जो 22वें फ्लोर पे रहता होगा? सेम ही होता होगा क्या? हवा आती होगी क्या? 5 क्लब। ये देखिए दोस्तों, चंद ने काटा है कि कीड़े ने, पता नहीं, मुझे लग रहा है ये ऐसे ही बोल रही हैं। आप कमेंट करके बताइए ये सही बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। कहाँ जा रही हो रात को? ये तो आपकी पुरानी बिल्डिंग लग रही है। दोस्तों यही है भी है दिखा दिखा ऑडियंस का चेहरा दिखाओ। शर्मा क्यों रही हो? देखिए यही हो खुखा दरिंदा। देखिए आपके चैनल, आपके चैनल की मालकिन। देखिए दोस्तों यही है आपके, देखिए देखो दोस्तों पहचान लीजिए इस शख्स को, इस दरिंदे को। ये देखिए 40 होके घूम रही है। ऐसा है क्या? पता नहीं।